एकदम से सूरज के आगे बादल का इतना बड़ा टुकड़ा आ गया है। वेल्डर भाई सुबह से आए हुए थे, जाली तकरीबन तैयार हो चुकी है, कैमरे वाले भाई भी फिर आ चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं। अभी हमने ये जाली को यहाँ से उठाना है और बिल्कुल सामने इस तरफ लगा देनी है, और उसके बाद फिर बाकी जितना भी काम है ना पूल वाला, वो भाई ने आज ही ख़त्म करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये दोनों आज के बाद इकट्ठे नहीं रहने वाले यार, ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। सारा दाना रोज़ाना नीचे गिरा देते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और पानी भी गिरा देते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि हम लोरी को इस केज में शिफ्ट करेंगे और इस केज को हम यहाँ से वहाँ सामने लगा देंगे, और ये वाला जो केज है ना ये वापस अपनी जगह पर लगा देंगे। वहाँ से मैंने शीट भी उतार दी, क्योंकि शीट का इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया था ना, अभी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सारा दिन चीखते चलाते रहते हैं, हमारे तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है ये ऐसे जब चीखते चलाते हैं। तो आज के बाद ये दोनों इकट्ठे नहीं रहेंगे, बल्कि दूर दूर से एक दूसरे को देख कर ना लड़ाई करते रहें, करीब नहीं आ सकेंगे। ये वाली जाली लग चुकी है, फाइबर सामने आ चुका है, फ्रेम तैयार हो चुका है, वेल्डर भाई शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं, उनको बुलाता हूँ। कैमरे तो बाकी सारे ठीक हो चुके हैं यार, ये एक जो कैमरा है ना ये पता नहीं अभी तक नहीं चल रहा। तो वही कह रहे हैं कभी वो सारे कैमरे को खोलेंगे, तार निकालेंगे, उसको चेक करेंगे, फिर ही जो होगा पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये काम तो बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। सामने फ्रंट पे जाली लग चुकी है, ऊपर छत आ गया, लेकिन इस काम को ना तकरीबन 2 से 3 घंटे या इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है। और जब तक ये काम हो रहा था ना, तब से लैला मजनू दोनों पक्के यहीं पर खड़े हैं और बार बार इस जगह को देख रहे हैं, क्योंकि इनको आदत हो चुकी है ना पानी में जाने की। तो ये चाह रहे हैं कि नई चीज़ तो बन चुकी है ना, अब इसका इफ्तिताह भी ये दोनों करें, यानी कि सबसे पहले ये दोनों जाएँ। तो अभी हम बस ये जल्दी से वेल्डर भाई अपना सामान उठाते हैं, यहाँ की सफाई करते हैं, पानी छोड़ते हैं, और फिर सबसे पहले टेंशन नहीं ले रही मजनू, ठीक है ना, सबसे पहले तुम और तुम्हारी लैला जाएंगी। ये तोड़ी है ना, ज़ाया नहीं करनी, खाओ। खानी है ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है, मैंने इतने दिनों से छुपा के रखी हुई थी। खाओ 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 ना, खाओ ना, खाओ, मजे की है ना, खाओ, खाने लगा, खाओ खाओ, सारी खाओ, जब तक सारी खाओगे नहीं ना। हाँ, जब से ना ये बाइक से गिरा है ना, तब से इसका थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा, खुद से ही सारा दिन बोलता रहता है, पता नहीं अजीब अजीब आवाज़ें निकालता रहता है। जिस परिंदे की आवाज़ सुनता है ना, ये तोतों की तरह कॉपी करना शुरू कर देता है। अभी कौन सी आवाज़ निकाल रहे थे बोलो तो, एक दफ़ा बोल के दिखाओ, एक दफ़ा बोल के देखो, वो किस चीज़ की आवाज़ थी? कौन सी आवाज़? ये जो अभी बोल रहे थे, मुझे नहीं पता, बोलो ना। तोते की आवाज़ थी ना, तोते की नहीं थी, इसकी थी, ये शेवख्तर अनार गली की थी। हाँ, बोल के दिखाओ, खाने देना, छोड़ो यार। पहले ये वाला जितना भी एरिया था सामने वाले कैमरों से और इस कैमरे से नज़र आता था, लेकिन जब से हमने ये चीज़ लगाई है ना, परिंदे नीचे नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो एक कैमरा फिर मैंने यहाँ पर भी लगवा दिया है। अब ये जितना भी व्यू है ना, और ये जितने भी परिंदे हैं, कबूतर और ये वाले जितने भी परिंदे हैं, मुर्गियाँ वगैरह जो यहाँ पर घूमेंगी, अब वो मुझे एक एक चीज़ ना नज़र आएगी। इसके अंदर भी घोंसला बना हुआ है और इसके अंदर भी, अब ये नहीं पता चिड़िया है या मैना है, क्योंकि आज तक मैंने देखा ही नहीं है। जिस तरह के तिनके हैं ना, ये मुझे चिड़िया ही लग रही है। अभी है कोई अंदर? नहीं है। यहाँ से ना बच्चे निकल गए हैं मुझे लगता है, जितना अच्छा घोंसला बना हुआ है। इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, यहाँ भी कोई नहीं है। ये मैंने इसलिए लगाए थे ताकि यहाँ पर कोई ना कोई डब आ जाए या फिर कबूतर, हमारे ही कबूतर यहाँ पर नेस्टिंग कर लें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना इनके अंदर और ना इनके अंदर। माशाल्लाह, छोटू गैंग भी आ चुका है साथ। चीनी मुर्गी क्या कर रही है, हैं? तुम कहाँ से आ गई हो? तुमने नहाना है, पानी के अंदर जाना है? अरे जाती है नहीं, नहाती है नहीं, ऐसे ही आ गई है। हमारे यार टर्टल भी गायब हो गए हैं ना, छोटा वाला तो ये है, बड़े वाले नहीं मिल रहे। चलो प्यारे टर्टल आ जाओ, शाबाश, तुम्हें तो छोड़ूँ ना, दूसरों को मैं ढूंढ लेता हूँ। ओ यार, मुझे तो याद ही नहीं रहा, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें छोड़ना था, अब क्या होगा। लैला चलो चलो, मजनू को भी रास्ता दिखा देना, जाओ मजनू, शाबाश, प्यारे मजनू जाए, इसे फेंकना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाएगा, चलो चलो, काटो तो नहीं ना, जाओ मुझे दो। हमने यहाँ पर ना बर्तन भी लगवा दिए, ये रहा बर्तन, साफ कर लेना इसे, ये रहा, मुझे दो, लैला को पकड़ के लो, हर वक्त खाती रहती हो, लैला को पकड़ लो। मुझे मुर्गियों को फीड तो नहीं खा रहा, वही खा रहा, पागल हो गया यार, इसके दिमाग पे इसके दिमाग पे गहरी चोट आई है, मुर्गियों वाली फीड खा रहा है। ये मुर्गियों वाली फीड खा रहे थे, क्या कर रहे थे सारी बताना,
दाने खा रहे थे। अच्छा बीच में से दाने निकाल निकाल के खा रहा था। तो खैर यहाँ पर अच्छी बात होगी यार, अब यहीं से पानी पियेंगे, यहीं से दाना खाएंगे। ओ यार मेल अंदर चला गया पानी के, अब ये बाहर आना चाह रहा है फीमेल के पास। ऐसे तो ये जाली तोड़ देगा, इसे अभी नया नया है ना, पता नहीं है। दूसरी तरफ इधर नहीं आना। ओए वो भी तोड़ दिया, बर्तन भी तोड़ दिया, साथ में उसको भी तोड़ दिया। वापस जाओ यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे तो जालियाँ तोड़ देगा, किसी परिंदे को कुछ ना कहते। ये गया पौधा गया, बचत हो गई है, शुक्र है निकल आया है। ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा। ये दरवाज़ा इधर देखो, इधर आओ, क्या उठा रहे हो, ये देखो सब तबाह हो गया। ओए होए इतना वज़न है इसका, ये भी तोड़ दिया, फीड भी ज़ाया हो गई, और इसको भी टेढ़ा कर दिया। ये टूटा नहीं है, टेढ़ा हो गया। इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं, सीधा हो गया ये तो सीधा हो गया, लेकिन रोज बर्तन ही हम चेंज करते रहेंगे। ये तो खतरनाक काम है यार, इसको भी टेढ़ा कर गया। एल्फा को देखें क्या कह रहा है, यहाँ पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। ये मेरी नहीं सुनता तो परिंदे तो फिर दूर की बात है। बेला शुक्र है आज अपना खाना यहाँ पर खा रही है, वरना इसे आदत है इधर खाने की या तो फिर अपने घर के अंदर खाने की। आज मुझे लगता है मैंने इसे देखा नहीं है ना, इसे भूख ज़्यादा लगी हुई थी, मैंने वहाँ खाना रखा नहीं, उसने यहीं पर खाना शुरू कर दिया। जल्दी से नीचे आओ, इब्राहिम डरता है क्योंकि अभी हमने फिट नहीं किया ना, ये थोड़ा थोड़ा ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को उठाएगा तो फिर बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा। अब ये वहाँ अगर कोई जाए ना तो वहाँ से ऐसा ही पता चलता है, एकदम से नीचे को चला जाएगा, इसलिए ये डरता है। आ जाओ, मैंने पकड़ा हुआ है ये, चलो फिर से जाओ आराम से। ओशी ना डर जाए, वो भी डर जाते हैं, वो मारता है ना तो आगे खड़े रहना फिर नहीं मारेगा। एक दफ़ा अगर तुम उसे डर गए ना, इधर से आओ ना, उनको नहीं लेके जाना, इनको लेके जाना, ये इन पांचों को। बाकी तो सारे अपने घर के अंदर चले गए हैं ना, बस ये पांचों अपने घर के अंदर चले गए ना, फिर हम दरवाज़ा बंद कर देंगे, फिर रात ओशी हमारे बाहर रहेंगे, रात को बाहर रहा करेंगे, नहीं बल्कि रात को अंदर बाहर देखेंगे, क्योंकि रात को हमने मैक्स को भी खोलना है। और पहले ये देखें वो कैसे डरती है, एल्फा भागता है ना तो ये सारे डरते हैं, उसको बाद में उठाती है इसे। अच्छा फिर इधर आओ, वो मारती है ना इधर से, उनके ज़्यादा करीब नहीं जाओ ना, तो ऐसे ही डरती है उनसे, इनको लेके जाना है। चलो, ऐसे नहीं जाने वाले, हमें इन्हें पकड़ कर एक एक को ना एक दफ़ा वहाँ छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद सारे फिर इन्हें पता चल जाएगा इनके घर का। डोनट कैंडी बेबो, और इसका तो अभी हमने नाम ही नहीं रखा, तो हम इसका भी अच्छा सा नाम रखते हैं, आप नाम बताते जाएँ बस, जो भी पसंद आएगा हम इसका भी नाम रख लेंगे। ये अभी बाहर से घूम फिर के आई है, इसलिए अभी शोर नहीं मचा रही, कॉल से तो इतना इसने शोर मचाया था ना, पूरी रात भी शोर मचाया है, लेकिन शुक्र है अभी बाहर से होके आई है ना, तो ये फ्रेश हो गई है। इधर आना, शुक्र है यार ये शोर नहीं मचा रही, बस थोड़ी सी देर तक ना, अभी इन्होंने पानी पी लिया है तो 15-20 मिनट तक हम इनको ना वंडर डाल देंगे। मैक्स को देखें कैसे खाई जा रहे, इसे सिर्फ एक वक्त खाना मिलता है, दो वक्त नहीं मिलता, एक वक्त मिलता ना तो अच्छे से खा लेता है। क्या हो गया, अच्छा बर्तन आगे कर रहे हैं, मेरा दिल है हम इसे थोड़ा सा और खाना दे दें, वैसे ये बिल्कुल अच्छे से खाता है, अब दूसरी दफ़ा अगर मैं इसे खाना दूंगा ना तो ये वो खाना नहीं खाएगा, ये छोड़ देगा। अभी ऑपरेशन शुरू हो गया है और हमने इन पांचों को आराम से, यार अली क्या यार बाद में खा लेना पहले इनको, ये क्या अब मैं इसे कहूँ, मानता ही नहीं है बात। वो बिल्ली आ गई ऊपर, बिल्ली भी आ गई है, बिल्ली नहीं है बिल्ला है, अच्छा तो यही वाला बिल्ला है जो बेला के साथ लड़ाई करता है। किधर यार ऐसे नहीं जाएंगे, एक चलेगी ये, हाँ ये दोनों उसको देख के चले जाएंगे, बस इनको एक दफ़ा पता चल जाए ना, डरे हुए हैं ये भी, परेशान है कि कहाँ पर बार बार उधर जा रहे हैं। क्या है गुस्सा मेरे पे नहीं करना, मैं बता रहा हूँ ठीक है ना, इन सब पे गुस्सा कर लो, मेरे पे नहीं करना, तुम भी इधर आओ, तुम भी गुस्सा करते हो ना सब पे, इधर आओ, मेरे से डरते हैं। मेल को पकड़ लिया, फीमेल किधर, फीमेल भागी और इतनी ज़ोर से, क्या यार एक मिनट सब्र करो छोड़ता हूँ, इतने ज़ोर से काटते हैं, अब पहले इतने ज़ोर से नहीं काटता था, चलो बस इतनी सी तो बात थी, जाओ ठीक है कुछ नहीं कहता, निकलो यहाँ से। ये देखिए हमारा बड़ा वाला टर्टल फीड खा रहा है पानी के अंदर, मुझे नहीं पता था ये भी फीड खाता है, ये देखिए नहीं जा रहा, खाता रहे। तो दोस्तों हमारे पानी वाले परिंदों का ना घर भी बन चुका है, ये सारी जगह भी बन चुकी है, अब ना हमने इनके लिए यहाँ पर छोटे छोटे घर बनाने हैं, एक घर इधर बना देंगे, एक घर इधर, या दो तीन घर बना देंगे जहाँ पर ये सारे अंडे दिया करेंगे। यहीं पर बतख ने उधर अंडा दिया ना, किधर उधर दिया है अंगूर के पास उधर, हाँ उठा लेते हैं, अभी पहले अंडा उठा लें, उनका बाद में कुछ करेंगे।
किधर जाना है? अब आपको नहीं अंदर लेके जा सकते, आपके लिए बनाया, आप रोजाना नहाते थे ना, अब पूल के अंदर नहीं जा सकोगे। हमने दरवाजा भी लगा दिया, दरवाजे को इस तरह हम कर देंगे बंद। आ जाओ, किधर है अंडा? इधर पड़ा हुआ है। यहाँ पर कैसे घुस गई है? देखें तो यहाँ पर कैसे चली गई है पता नहीं, अब उन्हें आदत हो जाएगी ना जगह जगह अंडे देने की। हाँ जी, ये हमारी डक्स का अंडा है, इसके ऊपर नंबर लगाते हैं और इसे इनक्यूबेटर में रख देते हैं। पहले तो इस हवेली के अंदर हम कम ही सफाई रखते थे, मतलब शापर वगैरह छोटा मोटा पड़ा होगा तो हम उठाते ही नहीं थे, ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब ये तीन दिन हो चुके हैं, किसी भी वक्त शापर खा सकते हैं, पर खा सकते हैं और इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। हाँ जी, थोड़ा सा और इंतज़ार नहीं करते? किस टाइम का? 4 बजे का। चलो इब्राहिम भाग के आ जाओ, आ जाओ, जामुन तोड़ने हैं वो सामने वाले दरख्त से, आ जाओ आ जाओ। हाँ उधर से आ जाओ आ जाओ। यार हम ना सुबह से इधर काम लगे हुए थे, वेल्डर भाई इधर काम कर रहे थे, कैमरे वाले भाई लगे हुए थे, तो फिर हम जामन तोड़ नहीं सके, तो ये सुबह से ये और अली तो 2-3 दफ़ा जा भी चुका है जामन तोड़ने के लिए, थोड़े थोड़े तोड़ के ले आता है, तंग किया हुआ है, अभी अंधेरा पड़ने वाला है तो ये कह रहे हैं जामन तोड़ने हैं, तो अभी हम दरख्त पर जा रहे हैं जामन तोड़ेंगे और फिर कुछ भी नहीं खा लेंगे। हमें ज़रूर बताना है कि आपको वो सामने वाला घर कैसा लगा है, बाकी जब परिंदे इसके अंदर जाएंगे खेलें कूदेंगे तो वो बाद में पता चलेगा परिंदे खुश हैं या नहीं हैं। तो आज के जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद अगले व्लॉग तक के लिए, मुझे दीजिए इजाज़त तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ शापर ले आओ, एक शापर ले आओ, जल्दी से जामन तोड़ते हैं।